हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ का जो चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस इंसल्ट है ना, उसमें जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस के बारे में। एसिड के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे बेस के बारे में। ध्यान दीजिएगा बेस क्या होता है। देखिए बेस का जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है वो समझिएगा, ठीक है ना। देखिएगा लिखा हुआ रहता है कि बेस आर दो सब्सटेंस है ना विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन ए कॉस सोल्यूशन, ये भी लिखा हुआ रहता है। किसी किसी में देखिएगा कि मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सब जो है क्या है बेस है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेस का डिफरेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कौन बेस होगा कौन बेस नहीं होगा और कैसे बेस को पहचाना जाता है। देखिए दो सब्सटेंस which react with acid to form salt and water है ना। वैसा सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट और वाटर, उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। सबसे एक्चुअल डिफिनेशन यही है, ठीक है ना। अब जो है बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर है ना। अगर हम लोग कोई एसिड से रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस को, ठीक है ना, या किसी भी सब्सटेंस को जो एसिड से रिएक्ट करने के बाद साल्ट और वाटर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना, तो क्या बनेगा H2O। ये क्या है आपका साल्ट, कॉपर क्लोराइड क्या है आपका साल्ट, ठीक है ना। उसी तरह से बहुत सारा है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको रिएक्शन करवा दीजिए इससे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दीजिए, तो बनाता है क्या मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और वाटर बनाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को किससे रिएक्शन करवाते हैं एसिड से, तो बनाता है साल्ट और वाटर, ठीक है ना। तो क्या यह हर समय अप्लीकेबल है? हाँ, ये वाला अप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर कोई और भी सब्सटेंस बनता है ना, तो जरूरी नहीं है कि वह क्या होगा ए बेस होगा। जैसे अगर हम लोग लेते हैं, देखिए अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी एसिड से रिएक्शन करवा दीजिए, मैंने HCl से करवा दिया है, तो NH4Cl बना दिया और वाटर बना दिया, ये क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस है। लेकिन अगर हम लोग लेड ले लेंगे, ठीक है ना, किसको ले लेंगे लेड को, और लेड को क्या करते हैं हम लोग कि यदि आप लेड को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिड से, है ना, जैसे अब देखिए लेड में क्या करेगा कि ये जो है साल्ट को बनाया, ये क्या है साल्ट, वाटर भी बनाता है, अब प्लस में क्या करेगा क्लोरीन गैस को रिलीज करता है, क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। साल्ट और वाटर बनाने के बाद एक्स्ट्रा में क्या बना दिया क्लोरीन बना दिया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन होता है कि जो सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो है समझिए अल्कली के बारे में पहले समझ लेते हैं हम लोग, है ना। अल्कली देखिए अल्कली किसको बोलते हैं, अल्कली है वाटर सोलूबल बेसिस, वाटर सोलूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। ठीक है, सारे बेस जो है वाटर में सोलूबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, वाटर में सोलूबल जो होंगे उसी को हम लोग अल्कली बोलेंगे, नहीं जितने भी बेस है सारे के सारे बोलेंगे तो अल्कली ही है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कौन कौन सा है, ठीक है ना, तो जैसे कि हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है वाटर सोल्युबल बेस है,
याद रखिएगा। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोलुबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोलुबल बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सब जो है वाटर सोलुबल बेसिस हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये जो है आपका ये पार्शियली वाटर सोलुबल है, मतलब कि ये पूरी तरह सोलुबल नहीं है, लेकिन ये जो दोनों है ये क्या है कि कंप्लीटली सोलुबल है ना, ये पूरी तरह सोलुबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से इसी के बारे में समझना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये दोनों क्या है कि वाटर सोलुबल बेस है। इस स्टेटमेंट से इतना पढ़ने के बाद हम लोग को कुछ समझ में आया होगा कि अगर जो है वाटर सोलुबल बेस तो और भी कुछ बेसिस होंगे, जैसा कि मान लिया कि कॉपर ऑक्साइड ये भी तो बेस था, तो क्या वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वही उसी को देखिए अल्कली का डेफिनेशन होता है ना कि दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH- आयंस इन एक्वा सॉल्यूशंस यानी वाटर्स। लेकिन यहां पर जो है अल्कली का डेफिनेशन दिया जो है, अब देखिए सबसे पहले कौन सा बेस जो है वह स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक। देखिए ये दोनों के क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, ठीक है ना। जितने भी ये बेस हैं ये सारे के सारे अल्कली नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी अल्कली हैं वे सारे के सारे क्या हैं बेस हैं, ठीक है ना। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जो है वीक होता है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है वीक बेस होता है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लोग ध्यान दे रहे हैं, अभी तो हम लोग अल्कली के बारे में समझ गए, बेसिस के बारे में समझ गए, नेक्स्ट टॉपिक तो ये प्रिपरेशन ऑफ बेस है ना। बेस का प्रिपरेशन का पहला मटेरियल कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स वो बेस होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए इसके बारे में समझते हैं, इसको लिख करवा दिए बेस क्या बना जाएगा Na2 है ना, ये क्या बना बेस, ठीक है ना। ये जो है उसके बाद कोई भी दे दीजिए कोई भी मेटल Mg+ O2 तो क्या होगा MgO, ठीक है ना, वैलेंसी में किया हुआ इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्या बना बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और पिछले में हम लोग पढ़े भी हैं एसिड के बारे में है ना, कि मेटल का ऑक्साइड प्रेशर कैसा होता है एसिडिक, और ये जो होता है मेटल का ऑक्साइड प्रेशर क्या होता है बेसिक प्रेशर होता है। अब जो है सेकंड जो है तरीका है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है ना। बनाने का कोई विशेष तरीका इसका नहीं है, किसी भी रिएक्टिव मेटल्स को है ना अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट करवा देते हैं तो वह जो बनता है वह बनेगा बेस, समझिएगा Na+H2 तो क्या बना देगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन कर बैलेंसिंग कर लीजिए उससे। उसके बाद की कोई भी ले लीजिए पोटेशियम ले लीजिए तो क्या बना देगा KOH। देखिए बुक में भी लिखा हुआ रहता है ना कभी कभी कि कोई भी जो है उसको वाटर सोलुबल को हम ले सकते हैं है ना, या अल्कली को वाटर सोलुबल बेस को बोलते हैं अल्कली तो उसको वाटर से करेंगे तो बात लेके चलाता है। इसीलिए हम लिख दिया है कि बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स, अगर रिएक्टिव मेटल्स को वाटर से कीजिएगा तो सिंपल सा बेस बनेगा, कुछ नहीं लेना है सोडियम को वाटर में डाल दीजिए है ना बेस बन जाएगा, उसके बाद पोटेशियम को भी वाटर में डाल दीजिए बेस बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहे हैं उसको चेक भी कर सकते हैं लिटमस पेपर है उसके द्वारा है ना। नेक्स्ट है बाय द डबल डिकम्पोजिशन है ना, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन द्वारा
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट का जो एक्वा सॉल्यूशन है विथ ए बेस प्रेसिपिटेट द रिस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्रोक्साइड, वो जो है मेटालिक हाइड्रोक्साइड रहेगा प्रेसिपिटेट कर देगा और साल्ट का फॉर्मेशन करता है। देखिए सबसे पहले साल्ट है ना, और उसके बाद क्या लेंगे बेस, तो क्या बनेगा बेसिक हाइड्रोक्साइड बना दिया और उसके बाद साल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे क्या बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट की तरफ फॉर्म बैठ जाएगा एंड नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में है मेटालिक सल्फाइड को किसान ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा मेटालिक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, तो ये जो होगा आपका ये आपका बेसिक बेस होगा बेसिक किसे होता है, तो इसको जो है फिर से वाटर से रिएक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है ना, वाटर में जो नेचर होता है इसका नेचर पहले बेसिक होता है लेकिन फिर से आपको तो ये जो होता है वीक होता है। जैसे जिंक सल्फाइड हो गया मेटल सल्फाइड उसको रिएक्शन करवा किससे ऑक्सीजन से, तो क्या बना दिया मेटालिक ऑक्साइड और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा इसको रिलीज करेगा। उसी तरह से लेड है सल्फाइड को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे ऑक्सीजन से, तो बनेगा मेटालिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।